गुरदासपुर विच लोकल कोरोना मरीजां दे आउण ते लोकल ट्रांसमिशन दा खतरा वधन करके जिले दे डिप्टी कमिश्नर मुहम्मद इशफाक ने चिंता जाहिर कीती है। उन्हां कहा कि गुरदासपुर जिला काफी समय तो कोरोना वायरस तो बचा होया सी, पर हुण जो गुरदासपुर तो कोरोना दे मरीज सामने आए हैं उन्हां दे संपर्क विच आउण नाल होर कई लोग कोरोना पीड़ित होए हैं, जो चिंता दा विशा है। इसलिए दुकानदारां ते कपड़ा व्यापारियों नूं उन्होंने अपील की है कि अपने दुकानों विच भीड़ इकट्ठी ना होण देण अते बिना मास्क दे किसी नूं भी दुकान दे विच ना आउण दित्ता जावे। जेकर अजिहा ना होया तां कोरोना वायरस गुरदासपुर विच फैल सकता है। गुरदासपुर विच आपां बहुत देर तो कोरोना वायरस की जिहड़ी इनफेक्शन सीगी उह तों बचे होए सीगे, परंतु हुण इस वेले आपां हौली हौली लोकल ट्रांसमिशन वल वध रहे हैं। पिछले 7-8 दिनों के 3-4 केस इदां दे होए ने जिहड़े इस गल वल इशारा कर रहे हैं कि हुण जिला गुरदासपुर दे विच साडी जिहड़ी लोकल पापूलेशन है उहनां च इनफेक्शन फैलनी शुरू हो गई है। एक साडे इत्थे कपड़े दे व्यापारी पॉजिटिव आए जी, उहनां दे अगे सर्वेंट ते उहनां दे परिवार दे मैंबर। इस प्रकार बटाला दे विचों एक प्लास्टिक लिफाफिया के काम करते हैं व्यापारी, वह पॉजिटिव आए, उन्होंने फैमिली मैंबर भी पॉजिटिव आ गए हैं। एक साढ़े पिंड दे विचों आए ने, इन्हां दी हिस्टरी यही है कि अमृतसर गए थे, उत्थों इनफेक्शन स्टार्ट हुई है, परंतु जिहड़ी थोड़ी जी गंभीरता वाली गल यह है कि इन्हां दे परिवार के मैंबर जां इन्हां दे जिहड़े नज़दीकी कॉन्टैक्ट्स ने वह भी पॉजिटिव आना शुरू हो गए। इस प्रकार साढ़े एक सफाई सेवक ने वह भी पॉजिटिव आए हैं। चंगी गल यह है कि इन्हां दे ज़्यादातर लोगों को किसी को सिम्पटम नहीं है, केवल दो लोग जड़े ने एक साढ़े कपड़े के व्यापारी तो एक साढ़े पिंड की लेडी हैं, उन्होंने सिम्पटम्स है पर उन्होंने सेहत ठीक है। मैं अज भी रिपोर्ट आई है कि ये ठीक हो रहे हैं, रिकवरी फेज के ने। बड़ी चंगी गल है कि इन्होंने अपनी 2-3 दिन ऑक्सीजन की सपोर्ट तो रहे हैं अमृतसर विखे, पर अज सवेर की रिपोर्ट यह है कि उन्होंने कंडीशन काफ़ी चंकी इंप्रूव हो रही है। तो मैं परमात्मा का अरदास भी करना आस भी करता अं कि 1-2 दिन ये भी ठीक होकर अपने घर वापस आने की स्थिति में आ जाएंगे। परंतु ये जी गल है ये सू 2-4 गल्ला ध्यान देने की लड़ है। एक तो कि बीमारी जी व्यापारी वर्ग के काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना हो रही है, खास करके कपड़े के व्यापार के दुकाना अपन छोटिया ने ज़्यादा जो गाहक आ जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग जी फॉलो नहीं होंगी है, तो कितना कितने जी इनफेक्शन के चांसिस बढ़ते जा रहे हैं। सो तो मेरी सारे व्यापारी भरावानों ही अपील है कि अपनी दुकान के अंदर रश ना करो, कस्टमर ज़्यादा आ गए लाइन लगवा लो, दूर कर लो, क्योंकि सेहत उपर कोई चीज़ नहीं है। सो सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान रखिए, उस तो बाद जो 1-to-1 इंटरैक्शन होंगी है खास तौर पर सामने तो बंदे मास्क लगा के रख लें, और एक दुकान के बाहर सैनिटाइजर रखो। कोई भी कस्टमर कोई भी मुलाजम कोई भी लोग दुकानदार एंटर करते हैं तो उन्होंने हाथ सैनिटाइज होने चाहिए ने पहला। इन्हां गल्लां दा जे असीं ध्यान रखांगे तो असीं काफ़ी तरह इन्फेक्शन रोक सकांगे। एक साडे SDM डेरा बाबा नानक जी ने एक बड़ा अच्छा उपराला किया है, उन्होंने मड्यूल तैयार किया है कि जिन्हें भी दुकानदारों के नाल चाहे वह आप समान बेचते हैं जां उन्हां दे मुलाजम जिहड़े कि सेल्स परसन ने उन्हां नूं असीं ट्रेनिंग देनी शुरू कर रहे हैं, और उन्होंने एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिहड़ा कि अपनी जेब ते ला सकणगे। मेरे हिसाब नाल उन्होंने अज या कल दे विच ओह मड्यूल स्टार्ट कर देना है, उहदे च जिन्ने भी साडे सेल्स परसन ने उन्हां नूं इही वध तों वध उत्ते जा उह ट्रेनिंग अटेंड करन, और ट्रेनिंग अटेंड करन दा टैस्ट लिया जाएगा कि उन्होंने किन्ना सिखिया, तो जिहड़े बंदे दे 80% वध नंबर आउणगे उहनूं असीं उह सर्टिफिकेट जारी करांगे। तो अपनी जिहड़ी भी मार्केट एसोसीएशनां ने उह सारे व्यापारी भरावां नूं कहण कि संबंधित SDM साहिबां दे नाल संपर्क करके अपने जिन्ने भी सेल्स परसन ने जिन्ने भी मुलाजम ने या जिहड़े बंदे खुद काउंटर ते काम करदे ने उस ट्रेनिंग 'च जरूर जाण। गुरदासपुर तो सिमरनजीत सिंह की रिपोर्ट, पंजाब टुडे।